तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का ही मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को। और आज देखिए, आज मतलब ये नवरात्रम का 5वां दिन है और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट से आज मुझे जो हमारे यहाँ ना नवरात्रि में ये जो लास्ट दिन जब जिस दिन रहेगा ना अष्टमी, तो उसके बाद जो मतलब सुबह में पूजा होता है तो उसमें साड़ी वगैरह चढ़ाया जाता है, तो उसी के लिए मैं साड़ी लेने जा रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ देखो बस में बैठ गई हूँ और ट्रैफिक में काफ़ी जाम है आगे में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इस जगह में ना काफ़ी भीड़ होती है, ये जो हमारा जो बड़ा बाज़ार जाने का जो ये जगह है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस से देखिए मैं यहाँ जा रही हूँ। और अभी इसमें काफ़ी मुझे टाइम लग गया था, आधा घंटा से ऊपर टाइम लग गया था मुझे। देखिए यहाँ पे कितने सारे छोटे बड़े गाड़ी भी जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी गाड़ी यहीं से जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और मतलब बहुत ज़्यादा एकदम भीड़ भाड़ रहता ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ ये देखिए मैं अभी बस में ही हूँ। और उसके बाद देखिए मैं जब वहाँ से उतर गई थी ना, तो ये हमारा मतलब गली है जो मेरे माँ का घर के तरफ जाता है, तो मैं बस वहीं से उतर के और ऐसे जा रही थी। तो मार्केट पूरा खुल चुका था और अभी सुबह के 12 ही बजे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और ये देखिए मैं जा रही हूँ। और ये जो सीढ़ी है ना, बहुत ज़्यादा पुरानी है, हम लोग जब छोटे थे ना तब से। और अभी तो मतलब तो उस समय तो ठीक था, लेकिन इस समय ना बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ख़राबी आ गई है और इतना डेंजरस हो चुका है ना, बहुत डर लगता है और बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है मुझे। तो अभी मैंने एक ही फ्लोर पार किया है, ये अभी दूसरा फ्लोर है। उसके बाद देखिए मैं भी अपने घर में पहुंच जाऊंगी ये फ्लोर पार करके। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी माँ का घर आ चुका है। और इधर मैं बस, ये तो पहले भी मैंने आपको दिखाया ही था, तो मैं अब इधर आ चुकी हूँ। और ये लोग भी तैयारी हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी मेरे संग मार्केट जाना है, तो ये लोग भी अपना काम वाम सलटा लिए हैं सारा, सुबह का जो भी खाना पीना सब। और उसके बाद देखिए मैं थोड़ा देर यहाँ बैठ के रेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ये लोग भी तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग सभी मार्केट के लिए निकल रहे हैं। 10 मिनट के लिए बैठी थी मैं यहाँ पर, पानी वगैरह पिया, थोड़ा आराम किया। और जब मैं मार्केट जैसे जा, अभी सीढ़ी फिर से उतना सीढ़ी हम लोगों को उतरना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा, इसी में 10 से 15 मिनट लग जाता। और आप देख सकते हैं कितना पुराना बिल्डिंग है ये, बहुत ज़्यादा, और डेंजर भी है बहुत, मतलब टूट फूट भी गया है कितना सारा। और हम लोगों को ना मतलब इन लोगों का तो आदत है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं बहुत ही धीरे धीरे मतलब उतर रही थी। और बहुत ज़्यादा मतलब फिर उसके बाद देखिए ये नीचे का फ्लोर है, एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर आ गया ये। और उसके बाद सीधे बाहर का सीन आ जाएगा। और ये देखिए जब मैं आई थी ना, तब ये डोगी यहाँ पे लेटा हुआ था और अभी भी यहीं पे लेटा हुआ है। और ये देखिए मैं, हम लोग मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ चुके हैं और अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल चुके हैं। और ये देखिए ये हमारे घर के मतलब ठीक नीचे में ही ये भैरव बाबा का मंदिर है। हमारे ऊपर जो छत है ना, वहाँ से बहुत क्लियर दिखता है। तो हम लोग को जब भी सुबह उठते तो इनका मतलब खड़े होते हैं ना, तो इनका दर्शन होता है। तो भैरव बाबा का मंदिर है ये, बहुत ही पुराना है, समय से है ये। और ये देखिए मार्केट में आ चुके हैं हम लोग अभी। ये हमारे घर के नीचे का ही मार्केट है, ज़्यादा आगे का नहीं है, मतलब बिल्डिंग से जो उतर के बाहर आए थे ना, तो बस वहीं का ही है। और इसी के थोड़ा सा मतलब 2 कदम और चलेंगे तो उसके बाद वो साड़ी की दुकान में जो मैंने पहले भी गई थी, वहाँ पे बहुत बार आपको दिखाया हुआ है। तो ये देखिए ये वही साड़ी की दुकान है जिसमें मैं पहले भी ले चुकी हूँ साड़ी वगैरह। और यहीं से मुझे साड़ी वगैरह मम्मी को भी खरीदने लिया था और मैंने भी, तो वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। तो फिर उसके बाद हमने साड़ी वगैरह पसंद कर लिया था और उसके बाद हम लोग आगे मार्केट में जाने लग गए थे।
और ये बड़ा बाजार का मार्केट ना, मतलब इतना बड़ा मार्केट है ना कि मतलब आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ मतलब आपको हर तरह का चीज़ आसानी से मिल जाएगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए कोई मतलब इधर नहीं जाना पड़ेगा, सब चीज़ मतलब मिल जाता है। तो फिर उसके बाद मम्मी को किसी को देने के लिए, बच्चे को, छोटे से बच्चे को मतलब जन्मदिन है तो उसी में कपड़े देने थे, तो वो हम लोग एक बच्चे वाले मतलब मॉल में आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे के जहाँ कपड़े मिलते हैं, तो वो मतलब उसमें क्या है ना कि छोटे जो जन्म के बच्चे और बड़े हम लोग के साइज के मतलब सबके चीज़ आसानी से मिल जाते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से कपड़े वगैरह, मम्मी ने लिया था, मैंने तो सिर्फ एक साड़ी लिया था। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट में कितने सारे मतलब दुकान है, मतलब बहुत ज़्यादा दुकान है, आप लोग देख सकते हैं छोटे बड़े हर तरह के दुकान है। और उस मुझे अभी और थोड़े से शॉपिंग और करनी थी, तो ये देखिए चूड़ी का ये है, यहाँ पे मतलब मैंने बताया ना हर तरह का चीज़ मिल जाता है, ज़्यादा दूर भी नहीं। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और है तो मैं यहाँ थोड़ा सा रुक जाती हूँ। और ये मंदिर का भी मैं ले लिया था, जैसे वहाँ पे भैरव बाबा का लिया था अपने घर के नीचे, और ये थोड़ा सा आगे में है, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने यहाँ का भी क्लिक ले लिया। और फिर हम लोग इस दुकान में आ गए हैं, तो यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, तो बस मुझे एक ही चीज़ लेना था, तो और भी चीज़ लेना था लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे नहीं लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ना शुरू हो गया था, सुबह से ही मेरे तबीयत में थोड़ी सी थी, लेकिन तो बस जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना सामान ले लिया। और फिर उसके बाद देखिए ये वाला मुझे पसंद आया तो मैंने ये वाला ले लिया, फ़िलहाल यही इसी की मुझे ज़रूरत थी, और भी चीज़ लेना था लेकिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास। और फिर मेरी मम्मी लोगों ने भी जो उन लोगों ने भी ले लिया था अपना उधर से सामान, और उन लोगों का तो क्या है कि नीचे ऊपर से नीचे उतरेंगे तो ले लेंगे, और मुझे तो यहाँ से जाना पड़ता है तो मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ मुझे और कुछ भी लेना था। अब जब मार्केट निकलो ना तो दो चार चीज़ और मतलब ले सकते हैं हम लोग, तो बस मतलब अब निकले हैं तो ले लेते हैं, और नहीं तो ऐसे घर में रहेंगे तो निकलना ही नहीं हो पाता है। और जब निकले तो दो चार चीज़ पसंद आ ही जाती है, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी, थक गई थी काफ़ी, तो यहाँ पे मैंने ये कपड़े का भी दुकान है और इन्हीं के बगल में वो मतलब ये देखिए मुरब्बा है, ये पूरा मतलब मार्केट में ये पूरा मतलब यही सब मिलता है। तो यहाँ से मैंने तो अभी मैं मार्केट से आई ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वोमिटिंग हो रही है, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। और अभी देखिए मैं इसके पापा ना मुझे दवाई ला के दिए तो मैंने दवाई खा लिया है और ये सर दबा रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में भी और सर में भी। और अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ एकदम, अभी तो ठीक थी जब बाज़ार गई, उसके बाद बाज़ार से आते ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और अभी तो मतलब कुछ नहीं कर पाऊँगी, खाना वगैरह भी देखती हूँ क्या करूँगी। तो अभी चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब तबीयत देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।